तो आप सभी मैकेनिक भाइयों को अच्छी तरह से पता होगा मेरी जो वीडियो है कंप्लीट 100% प्रूफ के साथ होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम करंट को चेक करके दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है, फिर आपको चेक करने का आपको एक एक स्टेप बताएंगे कैसे आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखें, इसके अंदर कोई स्पार्किंग नहीं दिखेगी और ये गाड़ी क्या है कि चलते चलते बंद हुआ है। ये नहीं कि गाड़ी में पहले से प्रॉब्लम था, गाड़ी चलते चलते अचानक से करंट वीक हो गया यानी छोड़ दिया। तो चलिए आपको स्टेप यूज करके दिखाते हैं कैसे चेक करना है एक एक स्टेप। तो आपको ले आए हैं इसके मैग्नेट साइड, अब चलिए आपको एक एक स्टेप बताते हैं सिर्फ मल्टीमीटर और टेस्टिंग लैंप के मदद से कंप्लीट हम करंट का प्रॉब्लम कैसे सोल्यूशन निकालेंगे उसी के बारे में आपको दिखाते चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे इसके कवर को यहाँ से ओपन कीजिएगा तो इस जगह पर बहुत सारे वायरिंग हार्नेस आपको देखने को मिलेंगे, बट इसमें सिर्फ आपको स्टार्टिंग रिलेटेड जो चेक करना है ये सिर्फ कपलर चेक करना है इतने सारे। इसलिए यहाँ पर ये इसका पिकअप कॉइल का वायर हो जाएगा, इसका लाइटिंग और चार्जिंग का हो जाएगा ये वायर, और ये इसका न्यूट्रल लाइट। इसके अंदर स्टार्टिंग का कोई कॉइल नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको जो चेक करना है, इसके अंदर आप मल्टीमीटर का भी यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर टेस्टिंग लैंप है तो बहुत ही अच्छी बात है। वो क्या है कि टेस्टिंग लैंप इसका सटीक रिजल्ट बताता है, न्यूट्रल लाइट का तो वैसे चेक करना नहीं क्योंकि करंट से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसको अभी साइड में रखते हैं, मेन हमें सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि गाड़ी चलते चलते बंद हुई है। तो ये भी हो सकता है कि पिकअप कॉइल हीट होने के बाद करंट छोड़ गया हो या फिर इसके अंदर स्टार्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया है, तो स्टार्टिंग कॉइल इसके अंदर है नहीं। तो ये भी हो सकता है इसका चार्जिंग का कॉइल खराब हो गया जिसकी वजह से बैटरी डिस्चार्ज हो जाने की वजह से RR यूनिट खराब हो गया और इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा इसका, हम ये चेक करेंगे कि हमारा मैग्नेट का कॉइल सही है या खराब। उसके लिए चलिए टेस्टिंग लैंप का हम यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पास टेस्टिंग लैंप और इसी के मदद से हम पता करेंगे, और इससे पिछले बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा जिसमें ये जो है टेस्टिंग लैंप बहुत ही सटीक बताता है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की कोई आवश्यकता नहीं, किसी से भी करंट चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी कन्फर्म करवा दें, अगर ये वाला कपलर आप ओपन कर भी दीजिएगा फिर भी पिकअप कॉइल के मदद से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बट ये लाइटिंग और चार्जिंग रिलेटेड काम करता है, फिर भी इसे चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बैटरी डिस्चार्ज होगा रेगुलरली तो हमारा RR यूनिट पर ज़्यादा लोड पड़ने वजह से करंट छोड़ सकती है। तो देख पा रहे हैं इसका दोनों कनेक्शन ले लिए हैं, अब सिल्फ का या किक का यूज करते हैं। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा लाइटिंग इसके अंदर प्रॉपर आ रहा है, यानी हमारा लाइटिंग और चार्जिंग संबंधित जो वायर है वो एकदम प्रॉपर है। तो चलिए इसको असेंबल कर देते हैं और आपको हम चेक करवाते हैं इसका पिकअप कॉइल। तो पिकअप कॉइल का रीडिंग चेक करके ही कंफर्म किया जाता है कि पिकअप कॉइल सही है या ख़राब, वैसे कहा नहीं जा सकता है कि ये ख़राब है या सही। तो चलिए मल्टीमीटर का यहाँ यूज करते हैं और आप स्टेप देखें कैसे यूज करते जा रहे हैं, प्रॉब्लम तक हम कैसे पहुँचेंगे। तो देख पा रहे हैं मल्टीमीटर को एक प्रॉपर जगह पे होल्ड कर दिया, और यहाँ पे अगर पिकअप कॉइल की बात किया जाए तो हीरो की गाड़ियों में 150 के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है। 150 से अगर नीचे है तो पिकअप कॉइल का रीडिंग एकदम प्रॉपर है, 150 से एक्स्ट्रा है तो ख़राब है। और बजाज की गाड़ियों में अगर आप चेक करें तो 200 सिमिलर उतना होना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं 200 पे इस जगह पे सेट किए हैं ताकि पिकअप कॉइल का इसका जो है कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से चेक कर सके कि सही है या ख़राब। तो एक वायर जो इसका पॉजिटिव है, आप अगर समझने की कोशिश करें तो इस वाले वायर में पॉजिटिव का वायर लेंगे और नेगेटिव कहीं पर भी टच करेंगे एक बार रीडिंग शो करेगा। तो दोनों वायर को हम टच करेंगे, यहाँ पे आपको रीडिंग प्रॉपर तरीके से दिखेगा। और BS6 में क्या है कि उसका पिकअप कॉइल जब भी आप चेक करते हैं उसमें प्रॉपर एक जगह पे रीडिंग होल्ड होके रहता है, बट इसमें फ्लक्चुएट करता है। आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉजिटिव वायर मैंने पिकअप कॉइल का पॉजिटिव में ले लिया, नेगेटिव वायर का कहीं भी बॉडी में टच करेंगे यहाँ पर आपको रीडिंग शो करेगा। तो देख पा रहे हैं 1:20, फिर 1:27, फिर 1:16, फिर 1:91, यानी इसका जो प्रॉपर तरीके से रीडिंग बता रहा है और फ्लक्चुएट होके यह कंफर्म करा दे रहा है कि मेरा पिकअप कॉइल एकदम 100% सही और श्योर है। तो आप मल्टीमीटर के मदद से इस वाले आइकन पे लगाना है 200 या 2000 पे लगा के इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी यहाँ से यह कन्फर्म हो गया कि हमारा लाइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सही है और इसका जो पिकअप कॉइल भी सही है। अब यहाँ से जो डायरेक्टली करंट जाता है इसके RR यूनिट तक जाता है, तो अब हमें ये चेक करना है कि RR यूनिट तक करंट जा रहा है या नहीं, उसको भी हम इसके मल्टीमीटर से ही चेक करेंगे या फिर टेस्टिंग लैंप के मदद से चेक करेंगे कि वो सही है या ख़राब। तो चलिए इसके RR यूनिट को ओपन करते हैं।